भीलवाड़ा की भीमगंज से बड़ी खबर, जहां भीमगंज थाना क्षेत्र में चाकूबाजी से माहौल गरमाया। समुदाय विशेष के युवकों ने देवेंद्र हारा और बबलू पर हमला किया। गुस्साए परिजनों और लोगों का भीमगंज थाने पर जमावड़ा। चाकूबाजी से यहां माहौल गरमाया, बड़ी खबर। भीलवाड़ा से देवेंद्र हारा और बबलू पर हमला हुआ। नगर निगम पार्षद हैं देवेंद्र हारा, जिन पर हमला हुआ, बड़ी खबर। चाकूबाजी से यहां माहौल गरमाया, पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। घायल पार्षद को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस लगातार हमलावरों की तलाश कर रही है, बड़ी खबर। तो अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू से हमला किया। गुस्साए परिजनों और लोगों का भीमगंज थाने पर जमावड़ा। भीलवाड़ा में रात करीब 10:30 बजे की बात है, जब समुदाय विशेष के युवकों ने हमला किया। पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की, पत्थरबाजी हुई। रात करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी जयेश पारिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, विस्तृत जानकारी दें, क्या ये पूरा मामला, कैसे माहौल गरमाया, क्या विवाद हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी अस्पताल के निकट भीमगंज थाना क्षेत्र में जो है देवेंद्र हारा की दुकान है। दुकान के बाहर जब देवेंद्र हारा पटाखे छोड़ रहे थे, इस दौरान जो है फटाके छोड़ने से शुरू हुआ विवाद। जो है 40 से 50 लोग कुछ देर बाद में देवेंद्र हारा के पास में आए और फटाके छोड़ने को लेकर मना किया। इसके बाद में जो विवाद शुरू हुआ, कुछ लोगों ने जो समुदाय विशेष के बताए गए थे, इनके द्वारा जो है पहले कहा सुनी हुई, फिर धीरे धीरे मामला मारपीट तक पहुंचने के बाद जो है देवेंद्र हारा को समुदाय विशेष के युवकों द्वारा चाकू लगा दिया गया। चाकू से जब पेट पे चाकू पर वार किया गया तो वह लहूलुहान हो गया। बचाने आए बबलू नामक युवक पर भी चाकू लगाया गया, जिसके बाद में जो है माहौल अचानक इतना गर्मा गया कि जो आसपास जो राहगीर थे उनके द्वारा बीच बचाव किया गया। मौके से जो युवक थे वे तो फरार हो गए, लेकिन पूरी घटना की जानकारी लगने के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारी पहुंचने के साथ ही जो है उनके परिजन भी मौके पर पहुंचे और भीमगंज थाने का घेराव भी करने लगे। देखिए, मौके पर जो जमा भीड़ थी उनके द्वारा बेकाबू होने के साथ ही जो है कुछ एक गाड़ी के अंदर आग भी लगाई गई, गाड़ियों पर पथराव भी किया गया। मौके पर पुलिस जाब्ता एहतियात के तौर पर बढ़ाया गया है। देर रात तक जो है जिला पुलिस अधीक्षक सहित जो है डिप्टी थे श्याम सुंदर विष्णु, उनके द्वारा भी शहर भर में गश्त व्यवस्था जो है वो जारी रखी गई। जी जयेश, मौके पर फिलहाल शांति है? पूरे मामले को लेकर जो है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए है जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जो देवेंद्र हारा जो घायल हुआ है गंभीर रूप से, वे भी जो भाजपा के पार्षद पति बताए गए हैं, भाजपा नेता बताए गए हैं, जिसके चलते जो है भाजपा पदाधिकारी भी लगातार पुलिस प्रशासन से जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक फिलहाल जो है मामले पर शांति व्यवस्था कायम रखने का पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है। जी अच्छा, ये पूरा जो मामला है पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जो पार्षद पति हैं फिलहाल घायल हैं, लेकिन क्या उनके परिजनों की ओर से पार्षद की ओर से मामले में कुछ कहा गया है, क्या पुरानी रंजिश?
देखिए पार्षद पति जो देवेंद्र हाड़ा है वे फिलहाल जो है अस्पताल में भर्ती है, उनके पेट पर और हाथ पर जो है चाकू से जो वार किए गए थे, जिसके बाद में वो लगातार उनका इलाज जारी है। रात को उनको आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ा था, कुछ खून जो उनका बह गया था, जिसके बाद में फिलहाल जो है वे खतरे से बाहर बताए गए। लेकिन लगातार पुलिस जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रयास कर रही है, जगह जगह दबिश दे रही है। 40 से 50 लोग करीब इस पूरे मामले में बताए गए थे, जिसके बाद में जो है पुलिस लगातार आरोपियों के घर पकड़ के प्रयास कर रही है। जी क्या इस पूरे घटनाक्रम में दो लोग घायल हुए हैं, क्योंकि काफी लोग बीच बचाव के लिए भी आए थे? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम जब ये हमला हुआ था तो देवेंद्र हाड़ा जो भाजपा नेता है उनके ऊपर जब हमला किया था, उनके पेट पर हमला देखने के बाद में जब चाकू से हमला देखा गया तो उनका भतीजा बबलू जो उनके पास में खड़ा था, उस बबलू ने बीच बचाव का प्रयास सर्वप्रथम किया था, जिसके बाद में बबलू के भी सिर पर चोटें आई थी। तो इन दोनों को आपन रापर के स्थिति के अंदर जो एमजी अस्पताल के निकट की घटना थी, जब इनको दोनों को ही भर्ती कराया गया था, जिसके बाद में जो राहगीर थे उनके द्वारा बीच बचाव किया गया। जैसे जो भीड़ इकट्ठी होती गई, समुदाय विशेष के जो कुछ युवक थे, समाज कंटक युवक जो थे, भीड़ इकट्ठी होती देखकर जो है वे मौके से भाग छूटे। जी अच्छा, घटना के बाद जानकारी ऐसी भी कि लोगों ने यहाँ गाड़ियों में भी आग लगा दी, पत्थरबाजी भी हुई? ये पूरा घटनाक्रम जो है करीब 1:30 से 2 बजे तक रात को चलता रहा। जो गुस्साए परिजन थे वे मंगला चौक होते हुए जो क्षेत्र का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया भी करीब हिंदू मुस्लिम एरिया बताया जाता है, जहाँ पर कई बार जो है हिंदू मुस्लिम विवाद भी हो चुके हैं। जो कई लोग इकट्ठे होकर मंगला चौक से महात्मा गांधी अस्पताल की रोड पर जो है नारेबाजी करते हुए भी एक साथ निकले थे। रात को करीब 1 से 1.5 बजे तक का ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा, जिसके बाद में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भाजपा नेताओं के परिजनों को समझाइश का प्रयास करते हुए एक बार की मामला शांत जरूर करा दिया गया, लेकिन फिलहाल जो है मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होने से जो है लगातार मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। जब तक इस मामले में किसी भी जो समुदाय विशेष के जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक इन लोगों ने शांत नहीं रहने की जो है वो चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी है। जी अच्छा जयेश, क्योंकि पुलिस तो लगातार तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस की ओर से मामले को लेकर कुछ कहा गया है? क्योंकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी जरूरी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो अराजक तत्व तो होते हैं, अपवाद होते हैं, फिर समाज की जो शांति व्यवस्था है उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जो पुलिस प्रशासन है जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक शहीद धर्मेंद्र सिंह, शहीद एडिशनल एसपी पारस जैन और डिप्टी श्याम सुंदर विश्नोई वे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरोपी है उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी समाज के हो। भीमगंज थाना क्षेत्र के बाहर जब तक ये लोग प्रदर्शन करते रहे, पुलिस भी साफ तौर पर इनको कहती रही कि किसी तरह आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द जो जो भी आरोपी है इन सबको डिटेन कर पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद में जो है गिरफ्तारियां जल्द ही शुरू की जाएगी। चलिए जयेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चाकूबाजी से यहाँ माहौल गर्मा गया, और पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है पूरे मामले को। हमले में कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है, पुलिस फिलहाल हमलावरों की तलाश कर रही है।